हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है और हम इसको स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज इस चैप्टर की दूसरी क्लास। अगर आपने चैप्टर की पहली क्लास नहीं देखी है तो बच्चों पहले आप वो देख लेना, वो आपको प्ले लिस्ट सेक्शन के अंदर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएगा। पहले आप वो देखो, उसके बाद ये स्टार्ट करना तो और भी ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। पहले एक मिनट देखेंगे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या देखा था और उसके बाद करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर बेसिकली हमने तीन टॉपिक्स देख लिए थे कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और सुपरविजन क्या होता है। सुपरविजन मैं बता दूं, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बस ये है कि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर सुपरविजन भी आता है। तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए सुपरविजन है क्या। ओके, तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं बच्चों। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से आप अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कोच कर रहे हो, लीड कर रहे हो, ठीक है ना, गाइड कर रहे हो, काउंसिल कर रहे हो, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए, इस चीज को हम डायरेक्टिंग बुलाते हैं। फिर हमने देखी थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि याद करने में बड़ी फनी सी थी, उसका नाम क्या था हमारा, टकला। टकला स्टैंड फॉर TACL, टी स्टैंड फॉर टॉप टू बॉटम, डायरेक्टिंग टॉप से बॉटम की तरफ जाती है। दूसरा है हमारा ए, इनिशिएट एक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि बाकी सारे फंक्शन जो होते हैं वो एक्शन को प्रिपेयर करते हैं और ये जो डायरेक्टिंग का स्टेप है डायरेक्शन को एक्शन को इनिशिएट करता है, चालू कर देता है। टी ए सी, सी का मतलब होता है कंटिन्यूस, मतलब ये डायरेक्टिंग जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ तक चलती रहती है। और एल का मतलब होता है एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहाँ पे टॉप हो, मिडल हो, लोअर हो, जहाँ पे सीनियर जूनियर रिलेशनशिप हो वहां पे डायरेक्टिंग होगी। फिर हमने देखा था एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या होते हैं, तो चार हमारे एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के, मतलब ये चार चीजों से मिलकर पूरी डायरेक्टिंग बनती है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सुपरविजन हमने देखा था, सुपरविजन के अंदर हमने बच्चों क्या देखा था, सुपरविजन का मतलब ये था कि आप अपने एम्प्लॉयज के, अपने वर्कर्स के एफर्ट्स को ओवरसी कर रहे हो, आप ये इंश्योर कर रहे हो कि जो रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रही है और गोल्स अचीव हो रहे हैं, ये होता है हमारा सुपरविजन। तो ये था हमारा पहले पार्ट का रिवीजन। अब देखते हैं बच्चों को क्या पढ़ना है। आज हमको स्टार्ट करना अपना दूसरा एलिमेंट, दैट इज मोटिवेशन। स्टार्ट करें बच्चों। ओके, तो बच्चों ये हमारा आ रहा है टॉपिक नंबर बी, सुपरविजन। मतलब हमारे पास चार मेजर टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सुपरविजन छोटी सी डेफिनेशन थी वो हमने देख ली, अब हम चालू करने वाले हैं मोटिवेशन। अब ये क्या है मोटिवेशन, मोटिवेशन का एक सिंपल सा मीनिंग है हमारे अंदर जो चुल मचती है ना कुछ करने की, उस चीज को हम मोटिवेशन बोलते हैं। एक्साइटमेंट होता ना, हम किसी चीज को लेके एक्साइटेड हो जाते हैं काम करने के लिए, तो वो क्या है, वी आर मोटिवेटेड कि वो चीज हमको चाहिए, वो चीज हमारे पास है नहीं बट हमको वो चीज चाहिए, उससे हमको खुशी मिलेगी अगर वो चीज हमारे पास आ जाए तो। अगर आपके पापा बोलते हैं बेटा तू टेस्ट में नंबर ले आ, एग्जाम में 80% ले आ, तू तेरे को आईफोन लेके देंगे, तेरे को बाइक लेके देंगे, तेरे को तेरी मनपसंद कार लेके देंगे, तो क्या होगा, आप मोटिवेट हो जाओगे, आपके अंदर एक्साइटमेंट आ जाएगी, मुझे वो कार लेना है इसलिए मैं पढ़ाई करूंगा, समझ रहे हो इस चीज को। तो इस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को लालच देकर कि उनको वो जो जिस चीज चाहिए, उनको क्या चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, उनको अच्छे बेनिफिट्स चाहिए, उनको बोनसेस चाहिए, कमीशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो वो लालच देके या ये कह लो जो उनकी जरूरत है वो उनकी जरूरत पूरी करके हम उनसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करवा सकते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा आपको आईफोन, मोबाइल, बाइक, कार, एक्टिवा का लालच देके आपसे पढ़वा लेते ना आपको, तो वही चीज हम ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों से करते हैं कि उनको वो दो जो उनको अच्छा लगता है और उनसे फिर बदले में क्या लो, वो काम करवाओ जो हमको चाहिए। क्लियर, तो इन शॉर्ट हम मोटिवेट करके लोगों से काम करवा रहे हैं। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की भाषा में मोटिवेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में, कंटेक्स्ट में हम मोटिवेशन को ये बोल सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने जूनियर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इस तरीके से हम उनको एक्साइट कर रहे हैं जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने में वो काम करें। क्लियर, इस चीज को हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन।
जैसे एज अ टीचर मैं आपको मोटिवेट करता हूँ कि यार तुमको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अपनी जिंदगी भर अपनी जो सर है उन्हें ऊंचा रखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको पढ़ाई करवाने के लिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करवाने के लिए आपको क्या कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ। इस प्रोसेस को हम मोटिवेशन बोलते हैं। अब मोटिवेशन के अंदर आपको मेनली तीन वर्ड्स जो है वो पढ़ने चाहिए, वो क्या, पहला है मोटिव, क्यों, क्यों मतलब मोटिवेशन मतलब मोटिव का मतलब होता है वजह, क्यों करना है वो वजह, ठीक है। मोटिवेशन का मतलब वो डेफिनेशन है, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेटर्स, ऐसे कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है, ठीक है ना। मोटिवेटर्स मतलब होता है वो ज्यादा फैक्टर्स, वो ज्यादा टेक्निक्स जो मोटिवेट करता है। आपको आईफोन चाहिए, आपको बाइक चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको पैसे चाहिए, तो कुछ तो ऐसी चीज होगी ना जो आपको मोटिवेट करती, तो वो आपको जब चीज दी जाएगी या उसका लालच दिया जाएगा तो आप भी काम करोगे। तो ये तीन चीजें पढ़ते हैं कि मोटिव क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेटर्स क्या होते हैं। चलिए बच्चों आगे अपने टॉपिक पर। तो बच्चों मोटिव का मतलब क्या होता है, वो इनर स्टेट दिमाग में वो जो खलबली मची होती है, वो वजह, वो टॉपिक जिससे आप काम करने के लिए क्या होते हो, उत्सुक हो जाते हो, उस चीज को आप मोटिव बोलते हैं। तो अ मोटिव इज अ इनर स्टेट दैट एनर्जाइज दैट एक्टिवेट्स और मूव्स और डायरेक्ट्स टुवर्ड्स बिहेवियर गोल। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा सर? एग्जांपल, आपको एक लड़का पसंद है या आपको एक लड़की पसंद है, ठीक है, वो पढ़ने में अच्छी है, तो आप क्या करते हो, आप भी कोशिश करते हो मैं पढ़ाई करूं, मेरे अच्छे मार्क्स आए, या फिर आप अच्छे से ड्रेस होके जाओ, आप बास्केटबॉल में थोड़े स्टंट मार के दिखाओ, आप डांस करके दिखाओ, आप थोड़े क्लास में फनी हो जाओ, कोशिश करते हो ना किसी तरीके से उसकी नजर आप पर पड़ जाए, करते नहीं करते हो, वो मोटिव है। तो वो मोटिव जो आपको एनर्जाइज कर रहा है, वो आपको अंदर से एक्टिवेट कर रहा है कि उसको उसकी नजर में आने के लिए जो भी आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, चाहे आप स्टंट मार रहे हो, चाहे आप अच्छे से ड्रेस होके, चाहे जब डिओड्रेंट लगा रहे हो, चाहे आपने स्पाइक्स कर लिए, तो कुछ कोशिश कर रहे हो ना किसकी नजर में आने के लिए, तो इसको बोला जाता है वो आपकी इनर स्टेट जो आपको एनर्जाइज कर रही है, आपको एक्टिवेट कर रही है, जो आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रही है जहां पर अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। क्लियर? ये एग्जाम्पल आ गया, वो समझना आपको अच्छे से। आगे क्या लिखा हुआ है, मोटिव्स अराइज ऑफ द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, जरूरत से मोटिव बनता है। और एक चीज और देखो क्या बढ़िया लाइन लिखी हुई आगे, realization of motive causes restlessness in the individual which prompts some action to reduce such restlessness। मतलब ये जब वो motive दिमाग में आ जाता है तो बेचैनी हो जाती है कि कुछ ना कुछ करके वो चीज हासिल करनी है, उसकी नजर में आना, उसको प्रपोज करना है, होता है कि नहीं होता है, तो आप कुछ ना कुछ करते हो, वही चीज लिखी हुई है कि आप कुछ ना कुछ करते हो जिससे आपकी बेचैनी थोड़ी कम हो। क्लियर? तो वो है हमारा मोटिव। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ओके, आगे क्या करेगा, मोटिवेशन। अब तो मोटिवेशन भी अच्छा क्लियर हो गया। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। मतलब ये आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ाई जा रही है जिससे आप काम करो और गोल्स को अचीव कर पाओ। स्टिमुलेशन का मतलब होता है, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है कि आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करना, ठीक है, आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करना। आपको सपने दिखाए जाते हैं, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको एज अ स्कूल आपको तो आपको वही नंबर्स का लालच दिया जाता है, अगर आप कितने नंबर्स आ गए तो आपको ट्रिप पे ले जाएंगे, ठीक है, फैमिली होती ना आपको क्या कहते हैं आउट ऑफ इंडिया लेके जाएंगे, आपको आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके दे देंगे, ठीक है, आपको गाड़ी लेके दे देंगे, तो आपको आपके अंदर एक्साइटमेंट जगा रहे हैं जिससे आप गोल्स को अचीव कर पाओ और आपकी जरूरत भी पूरी हो जाए। ये चीज क्लियर हो गया? ओके, अब आते तीसरे वर्ड की तरफ, वो है हमारे मोटिवेटर्स। तो मोटिवेटर्स क्या है हमारे, वो टेक्निक जिससे लोगों को मोटिवेट किया जाता है उसे बोला जाता है मोटिवेटर्स। बच्चे इसको लोग समझ लेते हैं, मोटिवेटर मतलब जो मोटिवेट करता है, ना ना, मोटिवेटर्स का यहाँ पे मीनिंग है वो सारी टेक्निक्स, वो सारी चीजें जिसके थ्रू आपको मोटिवेट किया जाता है वो काम करने के लिए, उससे हम क्या बुलाते हैं, मोटिवेटर्स बुलाते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल में आईफोन, कार, बाइक, दीदी, वो भैया, वो क्या है, वो मोटिवेटर्स हैं कि वो मिल जाएंगे, वो आप उनको पालोगे तो आप काम करने के लिए एक्टिवेट हो जाते हो। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या दे रखा है, सैलरी देना, पे करना, उनको बोनस देना, उनको प्रमोशन करना, उनको रिकॉग्निशन देना। रिकॉग्निशन मतलब होता है कि ये हमारे जैन साहब है जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमाल कर दिया है, तो लोगों के सामने उनकी तारीफ करना, उनको बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। समझ रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे हम उनको लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके,
उनको इन्फ्लुएंस कर सके, जिससे वो अपना बेस्ट से बेस्ट काम कर सके और ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सके। तो ये है हमारे मोटिवेटर्स, क्लियर। और आपके एग्जाम्पल में क्या हो गए, आपको गिफ्ट्स, कोई बाइक, कार, या फिर आप पढ़ने लग जाते हो, या फिर आप बास्केटबॉल खेलना चालू करते हो, आप डांस में चले जाते हो, या फिर क्लास में टीचर से बहस करना चालू करते हो। क्यों? उसकी नजर में आना है कि हाँ भाई इस बंदे में दम है या फिर इस बंदी में दम है, समझ में आ रहा है। तो ये होते हैं हमारे मोटिवेटर्स, क्लियर। तो तीन वर्ड्स पढ़ लिया हमने, मोटिव पढ़ लिया, इनर स्टेट जो आपको एनर्जाइज कर रही है, आपको एक्टिवेट कर रही है, आपको मूव कर रही है किसमें, उस गोल को अचीव करने के लिए। बेचैनी क्रिएट करती है रेस्टलेसनेस। मोटिवेशन का मतलब होता है स्टिमुलेट करना लोगों को, एक्साइटमेंट जगाना जिससे वो काम को अचीव कर पाए, और मोटिवेटर्स वो टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम मोटिवेट करते हैं लोगों को, क्लियर। ओके, अब बच्चों बात करते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन की। तो पहला फीचर क्या है बताओ फटाफट से, मोटिवेशन एक आउटर फीलिंग है फिर इनर फीलिंग है? क्या आपका मोटिवेशन कोई और फील कर सकता है कि आप कितने एक्साइटेड हो उस भैया के लिए, या फिर आप कितने एक्साइटेड हो उस दीदी के लिए? मेरे लिए तो भैया दीदी हुए ना, ठीक है ना, मेरे लिए तो आप स्टूडेंट हो, तो उस लड़के के लिए, उस लड़के लिए आप कितना एक्साइटमेंट हो, ये किसी को पता लगता है? नहीं पता लगता। ये आपकी क्या है, इनर फीलिंग है, इंटरनल फीलिंग है, ठीक है। ये मेरे संग भी हुई थी, ठीक है। मैं जब क्लास 12 में था तो मुझे क्लास 11 की एक लड़की पसंद आ गई, वो साइंस साइड की थी, मैं कॉमर्स साइड का था, तो ये इंटरनल फीलिंग है, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही ऊट पटांग हरकत करी थी, मैंने पढ़ना चालू कर दिया था, मैंने बास्केटबॉल करना चालू कर दिया था। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, ये जो एग्जाम्पल है ना वो पर्सनल एक्सपीरियंस के, वो आपको सबको समझ में आएगा। तो मोटिवेशन क्या है, एक इंटरनल फीलिंग है, द अर्ज, द ड्राइव, द डिजायर, द एस्पिरेशन, स्ट्राइविंग नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स विच आर इंटरनल इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। वो जरूरत, वो आपको ना वो किक मिलती है, वो डिजायर है, वो आपके सपने हैं जो आपको काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपके दिमाग में होते हैं, बाहर नहीं होते हैं, समझ में आ रहे हो। इस चीज के लिए आपकी इंटरनल फीलिंग है, क्लियर। जैसे बाइक चाहिए, कार चाहिए, पैसे कमाने, भाई घर में खाना नहीं है, होता नहीं होता, तो उसके लिए लोग काम करते हैं, तो ये सब कुछ दिमाग में चल रहा होता है बेचैनी। तो मोटिवेशन क्या है, एक इंटरनल फीलिंग है, क्लियर। ओके, दूसरा क्या है, एक सेकेंड, मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये चीज हम सबको पता भी, थोड़ी देर पहले मैं आपको एग्जांपल दिया था, मतलब ये कह लो कि आप वही रिपीट हो रहा है आपके बाद, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब ये कि जब आपको मोटिवेटर्स दिए जाते, जब आपको चीजें बताई जाती कि अगर आप वो गोल अचीव कर लोगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपको सामने टारगेट दे रखा है आप वो उसको अचीव करने के लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या बोलते हैं, अगर आपने हमारा टारगेट पूरा कर दिया, आपने अगर सेल्स टारगेट पूरा कर दिया, आपने हमारा प्रोडक्शन टारगेट पूरा कर दिया, तो आपको मिलेगा 20% बोनस। तो लोग क्या करेंगे, अरे बोनस मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, तो लोग क्या करते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे होता नहीं, ईयर एंड में प्रमोशंस होते हैं, तो लोगों को टारगेट मिलते हैं, मैनेजर्स को टारगेट मिलते हैं कि आपने इतनी सेल्स करवा दी तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो मैनेजर्स फिर तो फुल फोर्स में काम करता है। तो ये क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्रिएट करते हैं। रीड कर लेते हैं, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फॉर एग्जांपल प्रमोशन इन द जॉब मे बी गिवन टू एम्प्लॉई विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग हिज परफॉर्मेंस। इफ द एम्प्लॉई इज इंटरेस्टेड इन प्रमोशन, अगर वो प्रमोशन में इंटरेस्टेड हो तो ऑब्वियसली बात है अच्छी परफॉर्मेंस काम करोगे। आपको प्रमोशन का लालच दिया जाता है, अच्छा काम करो हम आपको प्रमोशन देंगे, तो फिर वो अच्छा काम करेगा, क्लियर। ओके, मोटिवेशन कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। काम अच्छा किया तो पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, ये क्या है, पॉजिटिव। अच्छा काम नहीं किया तो निकाल देंगे, सैलरी कम कर देंगे, समझ रहे हो इस चीज को, डिमोशन कर देंगे, लोअर पोस्ट पे भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन। मतलब ये मोटिवेशन आप दो तरीके से कर सकते हो, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। एग्जाम्पल के तौर पर अपना एग्जाम्पल लो, बेटा अच्छे नंबर आए तो ये दिलवाऊंगा, बेटा अच्छे नंबर नहीं आए तो घर से निकाल दूंगा, होता ही नहीं होता है, आपके संग हुआ होगा, मेरे संग भी हुआ है, मेरे में मार भी बहुत पड़ी है, बेल्ट आती थी सीधा, चप्पल आती थी सीधा, पता नहीं कहां से आती थी लेकिन पड़ती थी, बहुत जो के निशाना नहीं चुकता था कभी घर वालों का। तो वही है, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब है आपको तारीफ मिलेगी, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपका स्टेटस इंक्रीज होगा, ये होता है आपके पॉजिटिव मोटिवेटर्स। और नेगेटिव मोटिवेटर्स क्या होते हैं, फाइन लग जाएगा, सैलरी आपको क्या कहते हैं कटकर मिलेगी, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, ये क्या है, नेगेटिव मोटिवेटर्स है।
क्लियर ओके. तो मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव मोटिवेशन में प्रोवाइड पॉजिटिव रिवॉर्ड्स लाइक सैलरी का इंक्रीज होना, प्रमोशन मिलना, रिकॉग्निशन मतलब लोगों के सामने आपकी तारीफ होना, वो सारी चीजें. और नेगेटिव इमोशन का मतलब क्या है? पनिशमेंट, इंक्रीमेंट्स नहीं मिलेंगे आपको, प्रमोशन मिलेगा नहीं, सैलरी इंक्रीज होगी, डराना, थ्रेटनिंग. ठीक है, तो ऐसे में भी आप लोग काम करते हो. और फोर्थ और लास्ट जो हमारा फीचर है मोटिवेशन का, वो है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि आपकी जरूरतें अलग है, मेरी जरूरतें अलग है, और किसी तीसरे बंदे की जरूरतें अलग है. मतलब ये हम तीनों को एक ही तरीके से मोटिवेट नहीं किया जा सकता. लेट सपोज आपके पास पैसा बहुत है, ठीक है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो किस वजह से कर रहे हो? अपने आप को जानने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज को देखने के लिए. तो आपको जब तक चैलेंजिंग टास्क नहीं दिया जाएगा तब तक आप अच्छे से काम नहीं करोगे. क्योंकि आपके पास, आपको मैं बोलूं कि आप अच्छे से काम करो, मैं आपको 20% ज्यादा पैसा दूंगा, तो आप बोलोगे नहीं भाई, मेरे पास पैसा बहुत है, पैसों का लालच नहीं है मेरे को. आपको किस चीज का लालच है? नए काम करने का, चैलेंजिंग टास्क करने का. तो आपको जब तक मैं चैलेंजिंग टास्क नहीं दूंगा तब तक आप काम करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे. ऑन द अदर हैंड, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं है, तो मैं उसको बोलूंगा मैं तो 20% ज्यादा पैसा दूंगा, अच्छा काम करके दे, तो वो उस वजह से काम करके देगा. मतलब ये हम लोग हेट्रोजीनियस है, मतलब आपकी जरूरतें अलग है, मेरी जरूरतें अलग है, सबकी जरूरतें अलग है. तो हर एक को मोटिवेट करने का तरीका भी अलग है. तो मोटिवेशन इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. क्लियर? अच्छे समझ में आया? रीड करें तो क्या देखा? मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इंडिविजुअल आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशंस, परसेप्शंस एंड रिएक्शंस. वो उनका नजरिया, वो क्या चाहते हैं, वो कैसा रिएक्ट करते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है. तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही तरीके से मोटिवेट करने का जो इफेक्ट है सब पे एक जैसा हो, सब पे अलग अलग होता है. क्लियर? अच्छे से ओके. तो बच्चों आज हमने क्या देखा? आज हमने पढ़ा मोटिवेशन क्या होता है, मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर्स क्या होते हैं, और हमने फीचर्स ऑफ मोटिवेशन देख लिए. एक मिनट लगा के रिवाइज करते हैं, हो जाएगा. तो मोटिव का मतलब क्या होता है? वो इनर स्टेट जो आपके अंदर अर्ज पैदा करती है, आपको ड्राइव करती है, आपको एक्टिवेट करती है, मूव करती है एक गोल को अचीव करने के लिए, उसको बोलते हैं मोटिव. मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? लोगों को स्टिमुलेट करना, लोगों को एक्साइटमेंट पैदा करना जिससे वो गोल को अचीव कर पाए. और मोटिवेटर्स कौन सी होती है? वो टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू आपको मोटिवेट किया जाता है. फीचर्स के अंदर से चार फीचर पड़े. पहला फीचर क्या है? इंटरनल फीलिंग है हर एक के अंदर. आपकी जो अर्ज है, आपकी जो ड्राइव है, वो आपके इंटरनली रहती है. दूसरा हमारा ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को पैदा करती है. मतलब ये जब आपको मोटिवेशन दिया जाता है तो आप गोल को अचीव करने के लिए काम करते हो. जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं आप अच्छा काम करोगे, आप टारगेट अचीव करोगे, हम आपको प्रमोशन देंगे, तो फिर वो काम करने लग जाते हैं. तीसरा क्या? मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव का मतलब आपको पता है, पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मतलब सैलरी बढ़ाना, प्रमोशन करना. और नेगेटिव मोटिवेशन मतलब होता है डराना, धमकाना, सैलरी कम कर देना, निकालने की धमकी वगैरह दे देना. लोग इसके लिए भी काम करते हैं. और लास्ट क्या? मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है. क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि हर एक लोगों की जरूरतें अलग है, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग है, उनका रिएक्शन अलग है, उनका नजरिया अलग है. तो ऐसा हो सकता है आपको जिस चीज से मोटिवेशन मिलता हो किसी और को ना मिलता हो, उसको जिससे मिलता हो आपको उससे ना मिलता हो. तो मोटिवेशन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस. तो चलिए बच्चों आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं. टिक लगा लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए. देखो आज बच्चों हमने टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5 कंप्लीट कर लिया. नहीं, टॉपिक नंबर 4 ही किया, मोटिवेशन और उसके फीचर्स. तो आज टॉपिक नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया. तो ये चार टॉपिक्स हमारे अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं. आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम टॉपिक 5 से आगे पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना और रिवाइज करते रहना. जय हिंद, जय भारत, बाय बाय.